तो क्या हाल है दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। सेकंड पार्ट है ये जो सर्विस हम गाड़ी छोड़ आए थे। आज हम गाड़ी लेने आए हैं, गाड़ी हो गई पूरी रेडी। ये देखो आगे ग्रिल भी इन्होंने नई लगा दी है। और गाड़ी रेडी होने के बाद इन्होंने पहले तो बोला भाई अंदर ही चेक कर लो, ठीक है, मतलब अंदर भी चेक करवाई, ये नहीं बोला अंदर ही, तो अंदर भी चेक करवाई। और अंदर चेक करवाने के बाद फिर जो हमारे सर्विस एडवाइज़र थे ये जो खड़े हुए हैं, इन्होंने भाई शोरूम से ये बंदा बुलाया और मतलब मैकेनिक था जो भी था, कहीं साथ में बैठ जाओ और सर को गाड़ी टेस्ट करवाओ। गाड़ी टेस्ट करवाने के बाद हमसे बोला, फिर अंदर आई गाड़ी, अंदर हमने सारी चीज़ें चेक करी, फिर उसके बाद करी है भाई पेमेंट। पेमेंट करने के बाद भाई गाड़ी हमें मिल गई है। और गाड़ी मिलने के बाद अब हम साइड में लगा के कहीं पर आपको पूरी तरीके से बिल दिखाएंगे, बिल के अंदर एक एक चीज़ समझाएंगे और बाकी आप मतलब वीडियो को पॉज करके बिल को देख सकते हो। और मेजर सर्विस थी ये 15,000 किलोमीटर वाली, तो आप देख लेना कितना इसका खर्चा आया कितना नहीं आया। ये जो शोरूम है मतलब सॉरी वर्कशॉप है, ये आपका पड़ता है भाई पीरागढ़ी के अंदर, रावत मोटर करके है, बिल्कुल मेट्रो से जस्ट उतरोगे ना वैसे ही है, मतलब कंजेस्टेड सी गली है राइट साइड में, उधर पड़ेगा ये। तो भाई सर टाटा के सर्विस सेंटर से निकलने के बाद भाई जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं बता देता हूँ कि इस गाड़ी का ना एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। सर्विस होने के बाद ना मुझे मतलब ऐसा कोई महंगी भी नहीं लगी सर्विस। ग्रिल व्रिल भी हमारी चेंज हो ही चुकी है और फॉग लैंप का कनेक्शन भी ठीक ही है, ठीक है, उसे कर लिया, पार्किंग लैंप से कर दिया है फॉग लैंप का इसका कनेक्शन। और अंदर से गाड़ी क्या क्लीन है कि नहीं है मैं बताता हूँ। बंदे कहते हैं यार बेकार है बेकार है गाड़ी, कंडीशन देखो तुम यार। ये तो तब है जब हमारे पास टियागो है, उनके पास इतनी बल्क में गाड़ी आती है भाई, और एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से बिल्कुल एक एक मिट्टी गायब हो गई है गाड़ी की। और इधर आ जाओ पीछे से दिखा देता हूँ, गाड़ी की कंडीशन देख लो भाई, अंदर से अच्छी तरीके से वैक्यूम क्लीनिंग करके ये चमक रहे हैं भाई। अब आप खुद देख लो, ये टाटा ने सर्विस किया भाई, मैं तारीफ भी करूँगा तो किन की, रावत मोटर्स जो पीरागढ़ी में है, यहाँ पे रमेश शर्मा करके हैं, राकेश शर्मा जी, रमेश शर्मा, ठीक है, वो हैं सर्विस एडवाइज़र। अभी देख के बता देता हूँ, बिल की भी बात करूँगा। हमारी गाड़ी के अंदर कुछ सामान था, बंदे कहते सामान निकाल लेते हैं। ये देखो सर, मैट हमारे पास एक्स्ट्रा थे वो भी रखे रहे, कर्टन्स भी हमारे रखे रहे, और ये टायर हमारे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा था वो भी हमारे पास एज ए टीज रखा है, और वो हमारा डस्टबिन देखो नीचे पड़ा हुआ है रेड कलर का, दिख रहा है ना आपको, वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हमारी कोई भी सामान बिल्कुल इन्होंने छुई तक नहीं है, गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके दे दी। अब आते हैं भाई सर्विस कॉस्ट पे, सर्विस कॉस्ट का बिल क्या आता है। अब इसकी बात करें भाई, इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम थी कि ये गियर बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे थे, लेकिन अब देखो क्लच दबा दिया, बहुत उंगली के इशारे पे गियर लग रहे हैं। हाँ देखो गियर के ट्रैवल मारुति से ज़्यादा है, लेकिन ऑल ओवर ठीक है। चलो अब बाकी गाड़ी पूरी क्लीन करके दी है, कहीं से भी मुझे ये नहीं लग रहा कि इन्होंने कुछ छोड़ा है, मतलब ठीक है। अब आते हैं भाई बिल, बिल कितने का बना, बिल दिखाना भाई एक बार, ठीक है। तो भाई देखो बिल, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स होती है वो मैंने छुपा दी, तो टाटा टियागो गाड़ी नंबर देख सकते हो आप, सारा कुछ देख सकते हो। और ये है कुछ बिल भाई, ये माउंट हमारी ख़राब हो गई थी, तो इसका इन्होंने लगाया है 1353 रुपये का, नीचे होती है माउंट। जो मैग्नेटिक ऑयल डाला है इन्होंने 3.5 लीटर, वो 1848 रुपये का डाला है, ठीक है। उसके बाद ऑयल फिल्टर इनका 171 रुपये का है, आप देख सकते हो। और फिर इंजन फ्लश भी करा है, इंजन फ्लश जो पड़ा है वो हमें पड़ा है कितने का, इंजन फ्लश आया है भाई 692 रुपये का। स्पार्क प्लग तीनों चेंज करवा दिए हैं 360 रुपये के, मतलब 120 का ईच एक पड़ा है जीएसटी के बाद। सील वॉशर ऑयल सम ड्रेन, ये सील पड़ी है कोई वॉशर ऑयल की, ये 22 रुपये की है लमसम में। कूलेंट पड़ा है भाई इसके अंदर 848 का, पूरा नया कूलेंट डलवा दिया है। और एयर इनटेक सिस्टम की क्लीनिंग करी है, उसके 380 रुपये चार्ज किए हैं। ये ग्रिल हमने खुद लगवाई थी क्योंकि हमारी पुरानी वाली टूट चुकी थी, तो भाई मतलब चंदन भाई की पुरानी वाली टूट चुकी थी जिसके चार्जेस थे 3964, 4000 रुपये की ग्रिल है ये। और जो बम्पर पे टो हुक का कवर होता है वो है 12 रुपये का, हाँ 12 ही रुपये का है भाई, चलो तो बढ़िया है। अच्छा सर्विस के इन्होंने जो मेजर सर्विस चार्ज आ रही 15,000 किलोमीटर, वो 2,242 रुपये इन्होंने सर्विस चार्जेस लिए हैं। और इंजन सपोर्ट नीचे सी माउंट लगा है 350 रुपये का। फिटमेंट चार्जेस जो ग्रिल फिट की है उसके 354 रुपये। और फिर उसके बाद ये ब्रेक की, ब्रेक ऑयल और वगैरह ये सब सारे शूज़ वूज चेंज हुए हैं, ब्रेक ऑयल 649 रुपये। जो ओवरऑल हमारा टोटल बना है, नीचे आपने पढ़ तो लिया ही होगा, तो वो बना है कुछ अब देख लो कितना, 13,225। क्योंकि भाई सेकंड हैंड गाड़ी लेने के बाद पूरी सर्विस एक बार करानी बहुत ज़रूरी पड़ जाती है, ज़रूरी इसलिए पड़ जाती है मैं बताता हूँ
क्योंकि इसके अंदर ना हमें नहीं पता होता कि कूलेंट कब चेंज है, कब चेंज नहीं है और कब इंजन ऑयल चेंज हुआ है। तो एक बार भाई जब सेकंड हैंड गाड़ी लो, कूलेंट, इंजन ऑयल, फिल्टर जितने भी है, एसी फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, और फिर आपका एक तरीके से छोटे मोटी जो चीज़ें होती हैं जो आपको अपने टच के हिसाब से देनी होती हैं वो चेंज करा लो। मैक्सिमम जो आपके सर्विस चार्जेस आएंगे वो आएंगे लम सम में कितने, मतलब हमारा तो ग्रिल का इंक्लूड हुआ है, तो ग्रिल का इंक्लूड में कितना आया था, ग्रिल के इंक्लूड में 4,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। बाकी जो लगा लो के आप 13,225 में से 4,000 अगर लेस भी कर लोगे तो 9-10 हज़ार रुपये की सर्विस होगी, ठीक है। चाहे आप वैगनार ले लो, चाहे अल्टो ले लो, अल्टो में 7-8 हज़ार की होगी। क्यों? क्योंकि सेकंड हैंड लेने के बाद ये सारी चीज़ें ना अपने हिसाब से एक बार नहीं डलवा लो, फिर आप टेंशन फ्री हो जाते हो कि हाँ भाई अब हम टेंशन फ्री हैं, अब हम इसे एक साल बाद ही कराएंगे या जो भी इसका सर्विस इंटरवल है उसके बाद कराएंगे। तो भाई ये था टाटा टियागो का सर्विस एक्सपीरियंस। और हाँ, सर्विस सेंटर की बात करें तो भाई सर्विस सेंटर भाई मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। इनफैक्ट उन्होंने हमें गेट पास देने से पहले, मतलब हमने पेमेंट भी नहीं करी थी, फिर भी जो हमारे सर्विस एडवाइजर थे राकेश शर्मा ना या राजेश शर्मा था, राकेश शर्मा रावत मोटर में मिलेंगे आपको, इन्होंने कही कोई बात नहीं, एक शोरूम का बंदा बैठाया कि आप पहले चला के देखो, कोई कमी हो तो हमें बताओ, ठीक है। उन्होंने पूरी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें बोला कि चला के देखो, कोई कमी हो तो बताओ। उसके बाद हमने पेमेंट करी, गेट पास दिया और गाड़ी लेके आए। तो ये मुझे अच्छा लगा कि एक इनका वेलकमिंग नेचर है, और ये धीरे धीरे सर्विस नहीं भाई, सर्विस पीरागढ़ी वाले की बहुत अच्छी है। तो अगर आपके पास टाटा की गाड़ी है, मैं कहता हूँ आ जाओ यहाँ पे, राकेश शर्मा जी से बात कर लो, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे भी आपको, सारे जो भी जरूरी चीज़ें होंगी वो करवा भी देंगे। और आप बोलोगे मुझे नहीं चाहिए तो कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, काट देंगे। तो सर्विस काफ़ी बढ़िया लगी, मैं देता हूँ 5 में से 5 स्टार, एक भी नहीं काटूंगा। क्यों काटूं भाई, अगलों ने भाई चाय पानी के लिए भी पूछा है, अगलों ने मुझे सर्विस भी अच्छी दी है, गाड़ी भी ओके कर दी है, गियर का मैंने बस उन्हें बोला था और इसका कोई चार्ज नहीं लिया है गियर, लेकिन एकदम मक्खन करके दिए उन्होंने मुझे, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, यही करता हूँ वीडियो एंड, होप्स आपको वीडियो पसंद आई, तो चैनल को कर दो भाई सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।